नमस्ते राम कृष्ण हरि, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। अभी हम देसी उपाय बता रहे हैं। बकरी के मवा रहता है, वो सफ़ेद सफ़ेद मुंह पे आता है, वो हम आज को देसी उपाय बताने वो जाने वाले हैं। तो ये हल्दी लिया है हमने, तो हम जो गांव के लोग रहते हैं, बकरी पालते हैं, उनका तो कभी मुझे दवा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, तो उनको ये हमेशा होता है। कैसे ये बारिश होने हो गई तो बकरी को हमेशा ऐसा मवा का रहता है, क्योंकि क्यों होता है वो भी हम बता रहे हैं कि ये दूसरी वाली बकरी उधर से चरा के गई ना, वापस हमारी बकरी उधर गई चराने को, तो ये मवा होता है बकरी को और बकरी के बच्चे को। ये देख रहे ना, ये देखे ये कैसे हो गए है, देखो। तो इसमें हम हल्दी लगाएंगे तो इससे जल्दी फर्क पड़ता है। भी ये बकरी को ये हम थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर लगाएंगे। ऐसे सब ऐसे लगाने का वो भी हो गए ये बच्चे को बकरी के लगाए। बकरी को भी इसको भी लगाएंगे, ये बच्चे को लगी वो हल्दी खाते हल्दी खाते यार, इसको नहीं हुआ है। अभी इसको लगाएंगे। रामकृष्ण हरि गिर इनको ज्यादा नहीं है, थोड़ा हो गया इनको। इसको ज्यादा है ना, उसको ही लगाएंगे अभी, उसको ज्यादा है थोड़ा। सिंग लागे
किती चांगलं करते ना. थोडासा लगा इसको भी लगाते. वो नाक कैसे ऐसे बकरे ऐसे घसते ना वो उसका उसके वजह से होता है. उसको उनको खुजली आता है नाक को. वो बकरे को भी हम लगा सकते हैं, वो भी ठीक हो जाता है उनका नाक का कुछ जख्म वगैरह हल्दी से. तो ये आप देसी उपाय करके देखिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. राम कृष्ण हरी.